अक्सर सुनते हैं कि जिंदगी दुख और सुख के एहसास से मिलकर मुकम्मल होती है। फिर हम सोचते हैं कि क्या यह एहसास दुनिया की मुखालिफ सिमत में रहने वाले तमाम इंसानों को एक ही तरह मुतासर करता है। क्या अमेरिका में भी लोगों के लिए तकलीफ का मतलब वही है जो पाकिस्तान में है? क्या पाकिस्तान में भी खुशी उसी का नाम है जिस पर लोग अमेरिका में खुश होते हैं? वो कौन सी चीज है जो अमेरिका के इंसान को पाकिस्तान के इंसान को करीब से जानने में मदद दे सकती है? मैं तो अमेरिकन पाकिस्तानी हूँ, यहीं इस मुल्क में पैदा हुआ था, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मुस्लिम अमेरिकन मैं ये देखा हूँ कि जो यहाँ 300 मिलियन लोग हैं अमेरिका में, उनके पास खाली एक कहानी है पाकिस्तान के बारे में। ये कहानी ये है कि पाकिस्तान एक मुल्क है जिसमें तालिबान है, अलकायदा है, उसामा बिन लादेन था, मुल्ला उमर है, एक्सट्रीमिज्म है। लेकिन ये है वजाहत अली, पाकिस्तान में तकरीबन 200 मिलियन लोग हैं, वो उनकी कहानियाँ क्या है उनको नहीं मालूम। तो अमेरिकन लोग हैं, उनमें दिलचस्पी है, उनका दिल अच्छा है, उनमें मैं समझता हूँ कि ये खुलूस के साथ पेश आते हैं कि यार तुम हमारे को बताओ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी लोगों के मुश्किलात क्या हैं, उनके उम्मीद क्या हैं। पाकिस्तान में जो तहरीक चल रही है, मैं उसे इस तरह देखती हूँ कि हमारी रिवायात बहुत खूबसूरत हैं। उन्होंने हमें वो बनाया है जो हम बतौर पाकिस्तानी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ कुछ और भी हो रहा है। ये तजुर्बात जो रिवायत और जिद्दत के इम्तिजाज से किए जा रहे हैं, इनसे पाकिस्तानी आर्ट को एक नया लेंस मिलता है। और ये है शाइस्ता खिलजी। The way Coke स्टूडियो ने जिस तरह अपने आप को डेवलप किया है, वो इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है। जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री अपने आप को दोबारा जिंदा कर रही है, जैसा कि मंटो इतनी खूबसूरत फिल्म है जो पाकिस्तानी माशरे की पेचीदगियों को पेश करती है। And you know, from my perspective as a social scientist, एक समाजी साइंसदान के तौर पर मैं ये भी समझती हूँ कि आर्ट से मुतालिक ये इकदाम ये बताते हैं कि पाकिस्तान असल में है क्या, कि पाकिस्तान एक मुतनव्वो माशरा है। पाकिस्तान इज वेरी डाइवर्स। पाकिस्तान के आर्ट को अमेरिका लाने की एक कोशिश कर रही हैं लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की एसोसिएट प्रोफेसर सामिया अहमद। IAA इंटरनेशनल आर्ट्स एंड आर्टिस्ट के तहत आई हूँ एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन की तैयारी करने के लिए। इस एग्जीबिशन पे हम 2.5 सालों से काम कर रहे हैं। 16 आर्टिस्ट आएंगे इंशाल्लाह और 60 वर्क्स ऑफ आर्ट होंगे इसके अंदर। ये बेसिकली 2013 में बात शुरू हुई थी, जब अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद में मैरिलिन वायर्ट ने इमरान कुरैशी को इनवाइट किया था। इमरान कुरैशी जो अब बहुत नामवर हमारे आर्टिस्टों में हैं, उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी में एग्जीबिशन की यंग आर्टिस्ट की, ज़्यादातर जो उनके स्टूडेंट्स थे MCA से ही थे। उसके बाद फिर जब मैरिलिन यहाँ DC आई, तो उन्होंने डेविड से बात की, जो इसके डेविड फर्कॉट IAA के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने बहुत उसको सपोर्ट किया। आइडिया को उनको पसंद आया कि हम ऐसी शो इधर लेके आए यंग लोगों की, जिनका काम बहुत पावरफुल है और अमेरिकन ऑडियंसेस को एक नया परसेप्शन मिले पाकिस्तान का और पाकिस्तान के यूथ का। सामिया कहती हैं कि पाकिस्तान एक मुतनव्वो मुल्क है जहां लोग इतने ही तरक्की पसंद और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं जितने किसी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, और यही वो इस नुमाइश के ज़रिए दिखाने की कोशिश करेंगी। ये है कि सारे यंग आर्टिस्ट हैं, सारे कंटेम्प्रेरी अंदाज में बात कर रहे हैं अपने काम के थ्रू, और मेरे ख्याल से कतन कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें आप कहें कि किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही। मतलब वो इजी टू रीड भी है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत स्ट्रॉन्ग काम है। 2017 में उम्मीद है हमें कि ये टूर करेगी एग्जीबिशन पूरे अमेरिका को, इंशाल्लाह शायद कैनेडा को भी टूर करेगी। सामिया खुद भी पहली मर्तबा अमरीका आई जो शीशे के पीछे है, इससे भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वाशिंगटन की नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट्स में दुनिया के अजीम तस्वीरी शाहकार देखकर क्या इन्हें भी मुसव्विर की दुनिया से कोई वाबस्तगी महसूस हुई? मेरे ख्याल से आर्ट के जरिए जो एक इंटरेक्शन है, वो बहुत एक ह्यूमन किस्म का इंटरेक्शन होता है। आपको लोगों की पर्सनल एक परसेप्शन, एक आपके अंदर का कोई चीज़ निकल रही होती है, एक एक्सप्रेशन होती है, तो उसके ज़रिए जब बात आप इस प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो वो एक फ़र्क किस्म की डायलॉग होती है। उसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं होती, कोई सरसरी बात नहीं होती, बहुत गहरी बात की जा रही होती है। मेरे ज़माने तक जो इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स थे,
उनका बहुत ज़्यादा एक रोल था। एक तो प्रिंट्स बहुत मिलते थे इनके, वैन गॉग के, मोने के, एक तरह से एक्सपोजर वहाँ से हुआ कि देखा और चाहा कि इस किस्म का काम शायद कभी कर सकें। और मेरी ये ख्वाब थी कि शायद मैं देख सकूं उन पेंटिंग्स को। तो सामिया जहाँ अमरीकी मुसव्विरों का काम देखकर उनकी कहानियाँ जान रही हैं, नेटली सामिया की नज़र से पाकिस्तान को देखने की कोशिश कर रही हैं। Well, hopefully she comes back again. मुझे उम्मीद है कि सामिया वापस आएंगी। मैं चाहूंगी कि वो ये पैगाम लेकर वापस जाएं। अगर उन्हें लगता है कि ये सही है कि अमेरिका में हम मिलकर चलने और पाकिस्तानियों और दूसरों से सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। Art only gets better when you... Art उसी वक्त बेहतर होता है जब आप अपने जहन, अपने घर और अपने काम की जगह उन लोगों के लिए खोलते हैं जिनके तजुर्बात मुख्तलिफ हैं। In the US we're very interested as citizens in collaborating and learning from Pakistanis and from everyone really.